कमांडो भाई मूवी के पार्ट टू में सबका स्वागत है। एंड आज हम मूवी खत्म कर देंगे जो जुजुत्सु काइसन मूवी करके है, जो भी है खत्म कर देंगे हम देखे। एंड स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो एक ही करेक्टर पे फोकस है। एंड आप देख सकते हैं मैं भी मजा आए क्योंकि अब जो है मिडल आ चुके हैं एंड मूवी जो है अच्छी मोड़ पे है क्योंकि विलन आ चुका है। आई होप सो आगे देखते पता करते हैं क्या होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड जाके प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गो बिगिन। एक स्पेशल ग्रेट कार्स यूजर जो कास्ट स्पिरिट मैनिपुलेशन करता है वो कुदरती कर्सेस खोले कर्सेस को काबू और आकर्षित कर सकते हैं। लगता है कि अपने फॉलोअर्स से कार्स जमा करने के लिए उसने एक धार्मिक ग्रुप बनाया है। उसके पास अभी भी पहले प्राप्त किए कर्सेस होंगे और हाल के सालों में कर्सेस की रिपोर्ट को कम होता देख के उसके पास 2000 कर्सेस होने का बहुत बड़ी आर्मी है ना। फिर भी आमतौर पे उनमें ज्यादा ग्रेड 2 या कम कर्सेस के होंगे। एक सिंपल अनुमान के बाद भी वहां 50 कर्सेस यूजर से ज्यादा नहीं होता। वही सबसे डरावना हिस्सा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसी जंग को शुरू करेगा जिसे वो जीत नहीं सकता। जीत नहीं सकता, इनको कॉन्फिडेंस है। सारे एलुमनी तीनों बड़े क्लैंस और एनी जुजुत्सु सोसाइटी तक को मदद के लिए बोल दो। पूरी मतलब एक ये होने वाली है ग्रेट वॉर निंजा 4 फोकस कैटो पूरी तरह से निंजा वॉर बर्बाद हो जाएंगे। वो हेडमास्टर कुछ ऐसा ही ये उसको पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं। दिसंबर 24 नाइट ऑफ पैराडाइज फॉर 100 डीमंस। ओके बड़ी जल्दी मतलब मूवी है खत्म को करना है तो यहीं पे स्टार्ट कर। पूरी आर्मी इनकी भी तैयार है, जहां से डीमन निकलेगा वहां से मान करते। ये डीमन को करता है ना, मतलब उनको ऐसे ही मार सकता है तो मुश्किल से 20। ओके पर एक 40 खेल को पलट देगा, जीतने का चांस सीधे 99% यही। मैं कुत्सुयोता को मारूंगा और रिका और इमोतो को अपने वश में कर लूंगा। इसका पूरा ये है। आ गया है और अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कर्ज कैसे जुड़ा हुआ है, अगर मैं उसके मास्टर को मार दूं तो वो कमजोर और ये इसको अपने अंदर खा लेगा। इसका मतलब मैं कर्ज ले पाऊंगा। सोचे तो ये अच्छी बात है। तो हमारा प्लान ये है कि हमें कुत्सुयोता को अकेले पकड़ना है। So let's begin। चलो एक बात करें। शुरुआत करें। भाई ये बढ़िया लग रहा है, ये बस जा रहा है और सब मरते जा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा इसके पास। कुछ तो कमाल का तो होने वाला। ये कहाँ से आ गई? मेरे को लगा वो आएगा। तुम यहाँ कैसे बैठे हो? आज क्लास नहीं लगेगी। हाँ असल में मुझे आराम नहीं करना था। इस पूरी जगह हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अंधेरे से उभरा जो अशुद्ध है उसे अशुद्ध करो। और इसने भी वो बना दिया, मतलब सबका अपना अपना मंत्र है ये करने का ना। और ये इसको युता के लिए कर रहा है। मैं स्कूल के ऊपर आ रही है, लेकिन ये कौन और क्यों तेरे कर रहा है? ये ही कर रहा है। और ये हो गए, आ गए सारे डीमन कर्स्ड स्पिरिट, बहुत सारे छोड़ दिए भाई। पूरी आर्मी आ रही है लाइक एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह। और एवेंजर्स असेंबल। अगर कोई मिले तो उन्हें निकालना। तुम सुन रहे हो ना सोतारू? एक बंदा मुसीबत में लग रहा है। ओ अच्छा, वो बैंडेज वाला बंदा। हाँ बाकी को हम देखेंगे। ओ, ये गोजो के साथ लड़ने वाला है। कहां है? मुझे पता है, हम बस उन्हें रोक रहे हैं ना। जब तक काटो अपना काम नहीं होता इसे आराम से संभाल। तुम यही थी? तू तो कोई दिक्कत है क्या? असली सवाल तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे इसको तो इजी मार देगा ये। बंदरों से बात करने का मेरे पास वक्त नहीं। गोजो था ये सोच रहा है मेरे पास एक रिपोर्ट है। क्या बात है? खैर उस बंदे को दिखावा करना पसंद है और वही जंगे मैदान में नहीं है। तो मतलब ये सोच रहा होगा, पता लगा लेगा। अगर वो वहाँ हो तो हमें अपनी खबर मिल जाती। कुछ नहीं, क्या बात है? मुझे पता है ये सही वक्त नहीं, पर मुझे ये जरूरी लगा। अपने उपकर सुकून पे जो छानबीन करने को कहा था ये उस बारे में है। अबे मुझे भी तो बताओ सालो, मैं देख रहा हूँ यहाँ चूतिए की तरह। कोई भी सवाल नहीं, मैं तुम दोनों को अभी क्या वो समझ गया गोजो।
ये तो अभी वहाँ है। ओ ये क्या है? टेलीपोर्टेशन। अगर मेरा अनुमान सही है तो यू तो आ सकते हैं। मैं उस बंदे से निपटने तुरंत वहाँ जाऊंगा, उन दोनों को बचाना होगा। सॉरी, और उन्हें बचाने में अपनी जान लगा देना। सैलमन बोनिटो फ्लेक्स बोलता है यहाँ पर तो गायब। नहीं, वो जान गए। इसीलिए मैंने कहा कम से कम पुतला रे। एक पुतले से ना और शक हो जाएगा। ये तो सामने यही कहा था। हे, इधर देखो, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। स्पेशल ग्रेड। माफ करना। पर मैं अभी जल्दी। क्या करने वाला है? ओ ये अंदर नहीं भेज पाया इसको। यानी सतुरु का अनुमान सही था। कैसे? मैं तोड़ दूंगा। फिर हम नजदीक वाला रास्ता लेंगे। ब्लैक रॉय। ये समझ गया। लगता है किसी ओ इसको मार दिया इसने। मेरे को लगा ही था। लेकिन ये जिंदा बच जाएगी क्योंकि ये सीजन वन में है। सीजन वन इसके बाद की स्टोरी लग रही है मेरे को जहां तक पता है। नजरअंदाज कर दो या उनसे पहले फैसला करना मुश्किल है। ये क्या है अब? पांडा छोटे रास्ते के लिए ये दीवार तोड़ना हुआ है। यस, बुरा नहीं है, बच गया। माँ की मां इसने ध्यान कहा है? साढ़े पांडा लड़ने आए क्या करने आए? क्लोज कॉम्बैट भी कर सकता है ये। भाई ये पावरफुल तो लग रहा है यार। गेटों से ये एकदम से इस वाले मोड में आ गया। ये लेकिन मेरे को क्या लग रहा है ये इजीली जीत जाएगा इससे। ओ तुम्हारी जाली पता लगाना आसान है क्योंकि ये बस एक दिखावा जमीन पे। भाई कुछ तो तगड़ा था। डीएल ड्रॉमिंग उस इसने सारे कर्सेस जो रखे हुए ना अपने पास वो उससे बच रहा है। ओ हो गरीबी मामला लगी तो प्लम में। ओ लेकिन यार इसकी इसने हालत नहीं इसकी हालत खराब हुई। मेरे को लगा गेटो की हालत खराब हुई। माँ की पहले नहीं वो बचा तो होगा इतने जल्दी नहीं जाएगा वो। ये तो ठीक ही होगी। ठीक हो माँ की माँ की मस्टर्ड लीफ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है as I said। और ये लुक है ना भाई। एक भूकंप। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शानदार। ओय 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 उन तीनों को ले गया वो। आए यार दिखाता तो भाई दिखाया ही नहीं है यार। व्हाट द फक ब्रो। ऐसा प्यार तारीफ के लायक है। जिस दुनिया को मैं चाहता हूँ वो यही मेरे आंखों के सामने। ये आके आई था ये देखेगा सबको ना। सच कहूं तो मैं चाहता था तुम भी जिंदा रहो। लेकिन इसको अब इसको भी इजी मार देगा ये मेरे को लग रहा है। तभी ये सीजन वन में नहीं दिखा है ना। यानी इसको सही में मार दिया इसने। रीका पहारा हो और इसने बुला लिया अपने स्पेशल ग्रेड कॉल्स अप्रियंस और रीका फुली मैनिफेस्टेड। मैं तो तेरे को मारने वाला है। तू उसका मर्डर करेगा। पता नहीं कौन किसकी क्या करेगा। देखो देखने में बस मजा आएगा। ये आ गई रीका। रीका यूता वर्सेस गेटो। तुम्हारी आखिरी चाल क्या होगी? कर्स की क्वीन ऑफ कर्स। ओके okay.
आ ये और वो वो तो फिर भी एक एक करके मार रहा था। बोरिस ने क्या किया एक ही बार, इन दोनों को ये लोग यहाँ ले आया है। और खासकर माकी को, माकी की सांसें रुक गई। मरने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहा है? ये कहाँ ले जा रही है? बुरी बात तुम हमेशा ऐसा करती हो, तुम क्या कर रही हो रिका? उसने मेरी जान बचाई है, उसकी देखभाल एक फूल और एक तितली से भी ज्यादा अच्छे से करो। वो उसको मारने वाली थी शायद। मुझे माफ करना, मुझे नफरत मत करो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मुझसे नफरत मत करना। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारा दुश्मन वो इंसान है वहाँ। काफी नफरत है। फिर मैं भी करूंगा। पता नहीं क्या है मेरे को, लेकिन वो तो कुछ तो बता रहा है, कुछ तगड़ा है। ये उसका वेपन तो नहीं है वो जो बोनिटो फ्लेक्स करता रहता है? मारो। एकदम धीरे बोला और फिर भी उसका इम्पैक्ट देखो भाई, इतना जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। स्पीच एक ऐसी टेक्निक है जो इनुमा की क्लेन में होती है। खत्म। एक साल में इस लड़के ने वो जुजुत्सु सीख। इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, उसकी कर्ज एनर्जी फैली हुई है और मुश्किल है। कमाल है। अब मैं समझा, रीका की असली फॉर्म हमेशा बदलती रहती है, वो कर्ज एनर्जी से भरी हुई है। मेरे दोस्त कमाल के हैं, और मैं माफ करना, पर मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। साले उसकी बंदी छेड़ रहा तक मारूंगा। लेट्स गो। और ये होने लगा यहाँ पे तबाही। ये तो लड़ रहे, चलो ठीक है, ये तो छोटी मोटी लड़ाई एक तरीके से, मतलब जो मेन लड़ाई है वो दिखाओ। लाइक वो कहाँ है, गोजो कहाँ है? गोजो कह रहा था मेरे पे कम टाइम है, वो क्या कर रहा है, उनकी कैसे फाड़ रहा है, वो देखना है। ये कैसे लड़ती है इसका देख। ओ ये सारे कुछ नहीं। हाँ यार, मतलब आर्मी इसकी इतनी ताकतवर नहीं है, है ना गीटो की, इसीलिए उसको क्वीन ऑफ कर्स यानी यूता की बंदी चाहिए। ये 50 हो गए, मैंने अपने एजेंट जितना काम कर दिया। थोड़ा और काम कर, फुल बोनस लिया। इंसेंटिव मिलेगा तेरे को, खूब मिलेगा भाई, बहुत। ओए ये क्या लटका रखे है भाई। 15 तुम बस बच्ची हो, तुम आप भी भाग सकती हो, तुम सही या गलत नहीं जानती हो, है ना? मार भैंस की आंख मार, 15 की हो चाहे 10 की हो, साले ऐसे ही है, ये हरामी है जो हरामी बन गया। इसके फोन में कर्स्ड है क्या? ये कौन है? गोजो होगा पक्का। देख लो और जान लो, तुम जिद्दी हो। ये बाल किससे लड़ क्या रहा है? ये बाल से लड़ रहा है क्या? एक अजीब से कर्ज से लिपटी हुई है। और ये मेरी तकनीक को, मेरे पास बस आधा बचा है। ओके, इसकी भी अब होने वाली है, लेने देने। इस कर्सी को बनाने में एक सॉसर को मेरे देश में कितना वक्त लगता होगा? मुझे क्या परवाह, क्योंकि मेरे वक्त का एक सेकंड इसे खाक कर देगा। और एक गधे, बस इतना ही। बीच में माता। ओ एडिट। तो यही है वो लिमिटलेस टेक्निक जिसका गाटो ने जिक्र किया था। ये एटॉमिक लेवल पे काम करता है। एटॉमिक लेवल सटीक मात्रा से स्पेस टाइम को कंट्रोल करके, और वो सब मुमकिन उसकी उन आंखों की पावर से होता है।
तो क्या करें? और 12 मिनट मैं तब तक जान बचा के भागता रहूंगा। जान बचा के भागता रहेगा, भागना ही पड़ेगा, उसके पास कुछ भी आ नहीं सकता, ये तो हमको पता ही है। ये ले खत्म एक ही बार में क्या? अब इसका मोटे का देख कैसे बैंड बजाएगा ये भाई। ऐसा वो वही था ना उसमें? अच्छा उसके साथ था। बेटे तेरे को जाने तो देगा नहीं, तू जान बचा के भागने वाला है लेकिन जाने नहीं देगा। ये भाग साढ़े जोन पहुंचा के, वो गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्से में यार, वो दिख रहा है उसकी शक्ल से। साढ़े तुम तो कुछ भी नहीं हो। वो आखिरी राउंड खतरनाक था, मैं हिट एंड रन पे ध्यान दूंगा। मैं इन 10 मिनट तक बचने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, अगर मैं मरा तो तुझे पाप लगेगा तो। अगर वो इतने सारे मर रहे हैं। प्लीज इसे भी देखिए। जरूर, उसे नीचे रख दो। रख तो दिया है, और सब क्या कर रहे थे? सब ठीक है, लेडी सैन तुम्हें ठीक कर देगी। इतने सारे घायल भी हो गए हैं, मरे भी होंगे ऑफ कोर्स। शट, तुमने हम पे मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया है गेलो। गेटो, ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए पहली बार है, क्योंकि कर्ज एनर्जी तुम्हारे सारे शरीर में आ रही है ना, बहुत ज्यादा फिजिकल पावर और तेज सेंस, अब तुम काफी ताकतवर हो गए। ये इसका मेन बंदा है जो ये कर्ज्ड वेपन्स देता है इसको, जैसे कर्ज वेपन की हमें थोड़ी बहुत बातचीत पता ही है। इंसान फूड चेन के टॉप पे है। ओके। फिर भी वो खुद से बड़ी चीजों को मानते हैं और उन्हें गॉड कहते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? नो। जिजुत्सु स्कूलर जब से आए हैं तब से वो नहीं मानते। क्या हो रहा है ये? लड़ो सालो लड़ो, वो हो गई बात है। यार उससे भी लड़ ले रहा है ये, मतलब मैं वो देख रहा हूँ, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल है। ओ, 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 ये मस्त चल रही है भाई फाइट एंड लड़ाई बड़ाई एनिमेशन के साथ, स्लो मोशन ये। वो अटैक नहीं कर रहा, डिफेंड कर रहा है गेटो, जहां तक मेरे को लग रहा है। ओ, और डिफेंड भी काफी अच्छा कर रहा है। ओके। ये कुछ निकाल रहा है, देखो देखो देखो, ये मतलब जब मर्जी कहीं से भी निकाल सकते इस। नो, वो अपने बंदे को जाने तो दे, उसको गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे बंदे को इतना पील रहा है ये भैंस की मेरे सामने। इतने वक्त से मैं जो चीज जा रहा था वो क्या नहीं, चुने हुए लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि ताकतवर कमजोरों पर हावी हो जाते हैं। वो तो हमेशा ही होता है ब्रो, कई बार की क्या बोल रहा हूँ। बंदर सोचते हैं कि वो ताकतवर को हरा सकते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। उसने बचा लिया। ये सही है, मुझे अब इसकी आदत है। क्या हमारा लेक्चर खत्म हो गया? लेट्स गो। इसे क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि नो, वो लड़ने जा रहा था। और भी ओई, इतना फास्ट कैसे हो रहा है भाई ये? और ये कर्ज एनर्जी लगा के ऐसा वो करना है भाई, उसको सिखाया था, वो करना कुछ और चाह रहा था। यू तो पागल हो गया है भाई, ये लगा है भाई इसके।
मैं नहीं समझता। अब भाई उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी को उसको मानना चाहिए ना, लेकिन अब ये बोलेगा कुछ मुझे नहीं पता अगर तुम सही हो या नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए और इस विश्वास के लिए कि मैं जिंदा हूँ मुझे तुम्हें मारना होगा। उसके ऊपर मैं अपने पास मौजूद 4461 कर्स को एक साथ मिला दूं तो उनकी पावर क्या तगड़ी होगी। ये सबसे ज्यादा तगड़ा होने वाला है गाइस, ये सारे जो सबकी पावर मिला रहा है वो चार हजार जो भी उसने बोला उसकी पावर। भाई तुम यहाँ छोटे मोटे से लड़ते रह जाओ, वो वहां पे कुछ बड़ा होने वाला है। और ये लोग भी तो मर ही रहे हैं भाई, खून ही खून, खून ही खून, खा गया उसको। यही तो मजा आता है, लेकिन खून देखने में खून खराब है। ये कहाँ जा रही है लड़ने? अब ये वो, ये वो है फ्लावर नहीं फायर है मैं। फ्लावर नहीं फायर है मैं, इसको तो देखा हुआ है सीजन वन में, तो मतलब ये अब लगाने वाला है इन लोगों की। लेट्स गो यार, इनका ना भाई खून ना लाल दिखाते तो भाई और भी ज्यादा मजा आता है यार। वो खून निकलता है जब स्प्लैश मारता है, वो ज्यादा मजा आता है देखने में। और इसने अब निकाला है ये उसकी जो आंख में भी पावर है क्या इसके? और एक ही बार में सारा भाई वो जैसे ब्लास्ट कर जा रहे हैं भाई। नपाई करके काटता है, नपाई करके एकदम 7 रेज़ो 11 कुछ तो। ये कौन आया इस? ये वो आंखों वाला। ओके ये इसको भी जानता हूं मैं, तलवार वाली। और ये आग वाला, ये वो होगा, ये रोबोट मेकामारू तेरी। और ये बंदूक वाली, ये अलग स्कूल के है ना, लेकिन ये सही है, ये लड़ने आए हैं। और एक ये ऊपर से जो, और ये ऊपर से इंटेल दे रही है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके ये भी आ गया टोडो। और ये कुछ बड़ा सा मॉन्स्टर है। वो अकेले ही जाएगा। 8 बजे टॉक शो शुरू होगा, क्रिसमस लाइव स्पेशल लाइव, जिसमें चैन है। मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, इसको जल्दी खत्म करके इसको जाके देखना है। सब उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाओ। वो आते ही जा रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर देखो भाई ये क्या करने वाला है। गेटों ओकुत्सु, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें मारने आया और रिका को अपना बनाने। रिका, ये क्या करना है? तुम्हारा शुक्रिया मुझे हमेशा बचाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया मुझसे प्यार करने के लिए। क्या तुम मुझे अपनी शक्तियाँ एक आखिरी बार दे सकती हो? मुझे उसे रोकना है, मैं उसके बाद तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये सब कुछ तगड़ा हूँ, अपना दिल, अपना शरीर, अपना सब कुछ। वो तो प्यार करती हो तुम, दे ही देगी। और अब से हम सच में हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। रीका, I love you. रीका, ये होता है प्यार में इसके यहाँ, है ना? मरेंगे। किसी का लिए क्या इसको? क्या वो अपने आप को बलिदान कर रहा है
जिससे कर्ज एनर्जी की खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता था इतने ताकतवर हो गए। अब होने वाला ये कर, ये वो यूज कर रहा है क्या? इट्स प्योर लव। ठीक है फिर, तुम प्यार के लिए लड़ो, मैं चीनी के लिए। ओके लेट्स गो। ये भी फर्स्ट पावर इसने बहुत ज्यादा मस्त एनिमेशन है यार, और बहुत ज्यादा मस्त फाइट। इट्स लाइक वो नारुतो का वो नहीं था क्या, मॉन्स्टर बॉम्ब क्या बोलते हैं उसको, वो उसने पहले ऐसे इकट्ठा करते थे फिर उसके बाद फेंकते थे, वो ही उसी तरीके का है ये। ओ क्या तो भाई मजा आई है भाई, बहुत ज्यादा मस्त। अब इसमें कौन बचा है कौन नहीं बचा है वो दिखाओ भाई। ये कमाल की हालत देखो, पूरी चीज कमाल की है। ये वो पावर है जो दुनिया को बदल सकता है। उसको मार तो नहीं, अगर मेरे पास रिका होगा तो मुझे घर से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगली बार मैं नहीं ले पाया और इसका हाथ खत्म कर दिया है भाई। तुम फिर लेट हो सातोरु, और ये भी आ गया यहाँ पर गोजो। मेरे मरने के वक्त तुम मुझे देखने आए हो, क्या मेरी फैमिली सेफ है? आखिर वे सब भागने में कामयाब रहे, क्योटो वाले भी तुम्हारे ही ऑर्डर्स पे थे ना? हाँ वो सब मेरे थे, चाहते तुम्हारी तरह नहीं। तुमने उन दोनों को भेजा और सोच रहे थे मैं उनको हरा दूंगा, और वो कुछ नाराज हो जाए। तुम पे विश्वास किया था, और मैंने ये विश्वास किया था कि तुम बेवजह नौजवान सोसो को नहीं मारोगे। तुम सच की बात करना चाहते हो? मैं नहीं सोचता था कि मेरे ये दोस्त दोस्त थे क्या जो मैं कर रहा हूं? ये दोस्त वगैरह थे क्या पहले, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए उसको ये लौटा दोगे? ये एलिमेंट्री स्कूल वाला भी तुमने ही किया था? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या कोई तो आखिरी बात खत्म हो जाएगा यहाँ पर, मार देंगे इसको। कोई तुमको कुछ भी कहे, मुझे उन बंदरों से नफरत है, लेकिन मैंने जिजुत्सु हाई स्कूल में उन लोगों के लिए कभी कोई नफरत नहीं की। मैं बस इस दुनिया में रहते हुए एक दिलकश मुस्कान नहीं पा सका। ये ना मतलब है यहीं का है ना? दोस्त ऐसा है पहले का, क्या बोला उसने? तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि मैं कुछ कर्ज से मारा जाऊं। उसको मारने के लिए कह रहा है वो खुद को, तो ये मार देगा गोजो उसको, मार देना चाहिए वैसे तो, बट वो शायद दोस्त वगैरह है मेरे को लग रहा है इस वजह से, शायद वो पता नहीं मारे ना मारे, आई डोंट नो। युता 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 ने इन तीनों को, ये उठ गए तीनों साले मस्टर लीफ। और यहाँ पर युता ने भाई उसमें सही में बहुत ज्यादा तगड़ी पावर से लड़ा था भाई, मजा आ गया देख के, बहुत ज्यादा मस्त। ओ इसकी गर्लफ्रेंड, और इसने आँख खोल लिया, मतलब और भी ज्यादा पावर आ गई थी ना इसमें उस टाइम भाई, वो नाइस था। माफ करना रीका, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। क्या बात है युता? वेल मैंने रीका को पावर दी थी और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके बदले उसके साथ जाऊंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ये मत कहना कि तुम मरने वाले हो, तुम क्या सोच रहे हो पागल? वैसे मैं गूज़बम्स आ रहे हैं यार, ये वाला सीन देख के कर्ज को तोड़ ही दिया, कर्ज टूट गया। तुम्हारा हैंडसम गोजोरो सतारो सेन से, उसने आंखों के साथ पहली बार देखा होगा ना इन्होंने, और इसलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाया, और रिका पे तो छानबीन काफी पहले ही खत्म हो गई थी, और युता कई सारे इल्जामों से घिरा हुआ था, और फिर इसका खुलासा हुआ।
यानी कि तुम गुवाहानी के वारिस हो और इसका मतलब तुम करीबी रिश्तेदार हुए। ये ओह, और वो कितने खुश हो। तुम सही थे यूता, असल में रिका ने तुम्हें कभी कर्ज किया? किसने कर्ज किया हुआ था तुमने? ओके, मत प्लीज प्लीज मत मारो मत मारो। तो इसकी जो वो चीज थी वो जाके वहां से निकली। उस वक्त मैंने रीका की मौत को नहीं माना था। अब जिसने कर्ज दिया था उसने उसे कैंसिल भी कर दिया। खत्म। तो जब तक जिसे कर्ज किया गया था वो सजा नहीं देता क्योंकि ये पूरी तरह से टूट गया है। बेशक उसे देखने के बाद ये सब साफ था। अरे रो रहा है। ये सारी मेरी गलती थी। मैं तुम्हारी सालत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही उन सभी लोगों को चोट पहुंचाई और मैंने ही सबकी जान को खतरे में डाल जब गोयता मेरे पास आया। ये सब मेरी। बहुत मजे कर लिए इसमें 6 सालों में। बट इस एक बहुत अच्छा सीन है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। एंड फाइट वाइट देखने में भी काफी ज्यादा मजा आया। गूज बम्स आए बीच बीच में। बाय बाय। अब उड़ जाएगी ये। मेरे को लगा बोल के जाएगी मेरे पास जल्दी आना, ठीक है, लेकिन बोल के ये मेरे पास जल्दी मत आना, ठीक है। ओके, ये क्या आया? मस्त सीन है भाई, ऑसम भाई, मस्त सीन है बहुत ज़्यादा। मस्त सीन था, बहुत ज़्यादा था यार। मतलब कि एक तो मतलब फाइट वाइट चल रही थी वो अच्छा लग रहा था। बाकी गोजो के साथ की फाइट भी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। एंड उसके बाद ज़्यादा फाइट मजा यूता एंड गेटो की ऑफ कोर्स लगी। एंड गेटो को उसने मारा कि नहीं मारा वो मेरे को नहीं पता। एंड ये स्टोरी पहले की है बात की ये भी समझ नहीं आया मेरे को सही से, ठीक है। बाद में कमेंट सेक्शन में मेरे को शायद तुम लोग बता दो कि कैसे क्या सीन था। लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जैसे होता है ना, अगर होता है ना जैसे देख के पूरा पैसा वसूल कहते हैं या फिर टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो उस टाइप का था बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फुल टाइम वसूल है, पैसा वसूल टाइम वसूल सब मज़ा आ गया देखने में। इसका एनिमेशन फाइट स्टोरी भी अच्छी थी। एंड उसके बाद जो मतलब जो लास्ट में वो था ना वो पूरी पावर में आई एंड उसने पूरा वो करा पे मारा है, जो गेटो की भी फाड़ दी। एंड उसने जितना भी अपना जो जितना भी कर्ज स्पिरिट उसने भी यूज करी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पर जीता वही अपना प्यार बंदा बंदी का। एंड यहाँ पर लास्ट में वो कर्ज से रिलीज भी हो गई जैसे कि वो गई। एंड वो काफ़ी अच्छा सीन था, काफ़ी ज़्यादा मजा आया, गूज़बम्स भी आया भाई। ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, काफ़ी अच्छा मज़ा आया देखने में। अब कल से हम जो है सीजन 2 देखने वाले हैं, जो कि भाई आई होप तो उसमें इससे भी ज़्यादा मज़ा आए क्योंकि सीजन 2 बस 2 ही सीजन आया। एंड मूवी का तो मेरे को पता भी नहीं था, तुम लोगों ने बताया कि मूवी देखो। एंड मैंने मूवी देखा, सही में यार मूवी अवेलेबल है तो भाई मज़ा आया देखने में। एंड चलो मिलते हैं इसी के साथ कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू सीजन के साथ। एंड आई होप से उसमें मज़ा आए इससे भी ज़्यादा, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशन तो यही होगी ना कि बस नया नया चालू करते रहो और अच्छा अच्छा मजा आते रहे, लेवल जो मैं जगह ऊपर जाते रहे ऐसा कुछ। सो गाइज, आपको मजा आया मेरे साथ देखने में तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपके फेवरेट एनिमे के रिएक्शन हो सकते हैं, जाके देखो, एंजॉय करो, मजे करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।